मैनपुरी उपचुनाव के लिए सपा ने नाम फाइनल किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। तेज प्रताप यादव का नाम उम्मीदवार के तौर पर तय बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव के नाम पर कल घोषणा की जा सकती है। शिवपाल यादव मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है। रामपुर में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा हो सकती उम्मीदवार, सूत्रों से ये बड़ी खबर। आपको बताएं, उपचुनाव के मद्देनजर सपा की ओर से दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं। नेताजी के निधन के बाद तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है। ज्यादा जानकारी सहयोगी अनुभव के पास है और वो फोन लाइन पर मौजूद है। सीधा रुख करते हैं अनुभव का। अनुभव, देखा जाए ये सूत्रों से जो बड़ी खबर मिल रही है, अगर इस पर मुहर लगती है तो राजनीतिक तौर पर इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से अभी ये गोला का उपचुनाव का नतीजा आया और समाजवादी पार्टी को करारी मात वहाँ पर मिली है, ऐसे में अब समाजवादी पार्टी इसी कोशिश में जुटी है कि खासतौर से मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है, जहाँ उपचुनाव होना है, बाय इलेक्शन होना है, 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, तो ऐसे में वहाँ पर कोई गड़बड़ ना होने पाए। क्योंकि एक तो वो समाजवादी पार्टी की हम कहें सीट है, खुद मुलायम सिंह यादव वहाँ से सांसद रहे, अभी जब उनका निधन हुआ तब भी वो वहीं से सांसद थे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इस सीट को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती। और इसीलिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, उन्होंने लगभग ये तय कर लिया है कि उस सीट पर तेज प्रताप यादव, जिन्हें तेजू के नाम से भी लोग जानते हैं, उन्हें वहाँ पर उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये लगभग तय हो चुका है। नाम की घोषणा कल हो सकती है, या हमारे जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि 9 तारीख को ये घोषणा की जाएगी, क्योंकि 10 तारीख से ही नामांकन शुरू होगा, 17 तारीख जो है वो नामांकन की आखिरी डेट है। तो ऐसे में तेज प्रताप के नाम पर आप समझिए कि फाइनल मुहर लग चुकी है। नाम सियासी गलियारों के लिए सुना हुआ भी हो, लेकिन मैनपुरी की जनता अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि नेताजी का सारा कामकाज वही देखा करते थे और अब उनके नाम पर मुहर लगती है। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में चुनाव में कैसी तस्वीर निकल करके सामने आएगी, उपचुनाव में खासकर देखना होगा। शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।